आज रात 8:30 बजे सोसाइटी मीटिंग के लिए क्लब हाउस में आ जाना। अरे हाँ, मुझे भी मैसेज आया। हाँ तो क्या लगता है, किस चीज की मीटिंग रखी है? तो मुझे क्या पता उसने मीटिंग क्यों रखी है। तुम तो ट्रेजरर हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। आदमर हमने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया है। चलो कोई नहीं, वो पता चल जाएगा रात को। अरे भिड़े, मैं सोसाइटी का कॉमन मेंबर नहीं, कमिटी मेंबर हूँ। मुझे पता होना चाहिए मीटिंग का एजेंडा क्या है। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद रात को मिलते हैं। कम ऑन आतिब्रा, ये लो। बस थोड़ी, अब और नहीं खेलना है। वैसे भी मीटिंग का टाइम हो गया है। ओए आतिब्रा, टाइम तो हो गया पर कोई आया तो नहीं अभी तक। चलो एक एक सर्विस और। थोड़ी आती भाई, अब तक भिड़े आया नहीं? नहीं ना। चलो आती भाई, आपकी सर्विस। नहीं नहीं सॉरी, एक काम करो मेहता साहब, आप थोड़ी के साथ खेलो ना प्लीज। चलो आओ जी, आओ जी, आ जाओ मैदान में। तुसी तो सर्विस वाले हो, अच्छे से सर्विस करोगे। और मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ ऑफिस के टेबल में बैठ के सर्विस करते हो, तो यहाँ क्लब हाउस के टेबल टेनिस टेबल पे चंगी सर्विस करोगे। ओए बोता, सोचो ना, वो गल में से मिलना कुछ नहीं। चलो चलो गेम शुरू करो। आतिब भाई, आप यहाँ ऐसा क्यों बैठे हैं? तो क्या करूं, पीड़े मास्टर अभी तक आया नहीं है, मीटिंग शुरू हुई नहीं है, तो बैठा हूँ। तो पीड़े आया नहीं अभी तक? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। अरे मेहता साहब, ये भिड़े अभी तक नहीं आया? हाँ नहीं आया। तो कहाँ रह गया? मुझे क्या पता, तुम मुझसे पूछो। अच्छा मीटिंग किस लिए रखी है वो तुझे पता है छोटी? ओ ना जी ना, हमें क्या पता, हम तो आ गए। आओ मेहता साहब सर्विस करो। कहाँ रह गया भिड़े? अरे अब्दुल। हाजिर भाई। अरे भाई यार, मीटिंग किस लिए रखी है? मुझे नहीं पता। तुझे भी नहीं पता? नहीं, मुझे भी नहीं पता। अरे यार क्या है क्या आज? भाई जेठालाल, आज ये मीटिंग क्यों रखी है? अरे मुझे क्या पूछ रहे हो भाई, तुम कमिटी मेंबर हो, तुम्हें पता होना चाहिए। काय का कमिटी मेंबर, सिर्फ नाम का कमिटी मेंबर रह गया हूँ। भिड़ा आजकल कुछ बताता ही नहीं है। मतलब तुम्हें भी पता नहीं आज मीटिंग क्यों रखी है? अरे अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों पूछता? अरे यार तो किसे पता है मीटिंग क्यों रखी है? मेहता साहब को पता होगा। नहीं नहीं, उनको नहीं पता है। छोटी? छोटी को भी नहीं पता है। अरे तो किसे पता होगा? अय्यर भाई को पता होगा, उनको फोन करो। मतलब अय्यर भाई भी नहीं है अभी तक? नहीं, अय्यर भाई और भिड़ा दोनों गायब है। अय्यर भाई फोन नहीं उठा रहे। अरे मैं आ गया तो फोन क्यों उठाएगा, बोलो क्या काम है? अरे आज की मीटिंग क्यों रखी है? मेरे को नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम ना? अरे कमिटी मेंबर हो के आपको नहीं मालूम? क्या हो क्या रहा है आज? अरे कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो। क्या कैंसिल करो? आज की मीटिंग। क्यों, तुमको किधर जाने का है? अरे भाई मुझे कहीं नहीं जाना है। तो फिर मीटिंग कैंसिल करने का क्यों बोल रहे हो? तो और क्या बोले भाई, एक तो बिना पूछे बिना नोटिस दिए ये भिड़े मीटिंग रख देता है। 8:30 बजे पहुंच जाओ, मतलब आपको अपना जो भी जरूरी काम है वो सब पड़ता मुक के पहुंच जाने का। चलो पहुंच भी गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। उसका तो अता पता नहीं है, ऊपर शायद मीटिंग का अजंता क्या है वो भी नहीं पता है। अजंता? अरे भाई एजेंडा। वो तो अभी आदमराम आएगा तो पता चल जाएगा। अरे पर इसमें इतना खुफिया रखने की क्या जरूरत है? पपड़लाल होगा कोई रीजन। अरे जो भी रीजन हो हमें तो बताना चाहिए ना, हम कमिटी मेंबर हैं। छोड़ो छोड़ो पपड़लाल, अय्यर भाई को बोल के कोई फायदा नहीं है, वो तो अपने आत्माराम की साइड लेंगे। अपने आत्माराम का क्या मतलब है?
ऐसा नहीं है जेठालाल। अरे ऐसा ही है अय्यर भाई, ऐसा ही है। हाय एवरीवन। हेलो बबीता जी। हेलो कमल भाभी, कैसे हैं? रोशन भाभी, अंजलि भाभी, कैसे हैं सब? तो पता चला आज मीटिंग क्यों रखी है? नहीं बबीता जी, किसी को नहीं पता, मैं भी वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं आज मीटिंग क्यों रखी है, बोलो। अरे अय्यर भाई को भी पता नहीं है, वो तो कमिटी मेंबर है, फिर भी उनको भी नहीं पता है, बोलो। अरे कमिटी मेंबर मैं भी हूँ, मुझे भी नहीं पता। हाँ भाई हाँ, अभी सबको बुला के खुद गायब है, बोलो। अरे अय्यर भाई फोन तो करो, कहाँ रह गया? कौन रह गया, कौन नहीं आया? अरे तुम भाई। मैं तो आ गया ना। आप अभी आया ना? हाँ तो अभी आया ना। अरे सब आने के बाद क्यों आया भाई? चलो अभी पता चला ना कि सब आने के बाद जब कोई आता है तो कैसा लगता है। चल भाई अभी आ गया ना, तो अब तो बता भाई मीटिंग क्यों रखी है, मीटिंग का अजंता क्या है? अजंता? अरे एजेंडा। और एजेंडा बताने से पहले तू मुझे ये बता कि मैं और अय्यर भाई दोनों सोसाइटी के कमिटी मेंबर हैं, तूने हमें क्यों नहीं बताया कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? सोसाइटी के सारे कॉमन मेंबर मुझे पूछ रहे हैं, तो उनको बताने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ भाई बताओ भाई, एक तो मीटिंग रख दे तो यार, बिना अच्छा एक तो एक दो दिन पहले तो बोल ना यार, बता तो मुझे आज सारे बता नहीं जाता, कोई बता नहीं तुझे ऐसा कैसा चांद 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 हो जाइए। आत्माराम बता रहा है कि क्या एजेंडा है। मैंने आप सबको मीटिंग का एजेंडा इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। बोलो। अरे मीटिंग क्या टाइम पास के लिए रखी है? हाँ भिड़े मास्टर, ये तो गलत बात है, खामखा में इतनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक आया। अरे भाई तेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं था तो मीटिंग क्यों बुलाई? ओ यारो, मेरे को लगता है कि मीटिंग आज इस बात पे है कि मीटिंग किस बात पे करनी है, हैं? मैंने टपू सेना के कहने पर मीटिंग बुलाई है भाई। किसी के भी कहने पे बुलाई हो, लेकिन मीटिंग का अजंता क्या है? मीटिंग का अजंता एलोरा सब उनको मालूम है। ये बात विनोद नको करू, उनको तुझे पूछना चाहिए ना कि मीटिंग का अजंता क्या है। जेठा भाई, इन्होंने टप्पू सेना को पूछा, बहुत बार पूछा, लेकिन टप्पू सेना का कहना ये था कि जो भी बताना है ना वो मीटिंग में ही बताएंगे। हाँ। मैंने उनको यहाँ तक बोला कि भाई मीटिंग में सब मुझे पूछेंगे कि एजेंडा क्या है बताओ। मैंने बोला भी अगर मैं एजेंडा नहीं बताऊंगा तो सब मुझे गुस्सा करेंगे, स्पेशली जेठालाल। टप्पू सेना का कहना ये था कि उनका आइडिया है ना बहुत हटके है, तो जो भी है सस्पेंस वो मीटिंग में ही बताएंगे। एक्चुअली हम सबको जानना है कि उन्होंने क्या हटके आइडिया सोचा है। हाँ, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। हाँ मैं भी। हाँ, और आप प्री टप्पू सेना ने आइडिया सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एब्सोल्युटली। ओ हाँ हाँ, जानना तो सबको है, लेकिन वो लोग है किधर? हाँ हाँ भाई, कहाँ है टप्पू सेना? वो तो तुझे पता है कि वो भी नहीं पता है? ओ जेठालाल, मैं गोकुलम सोसाइटी का एक भी सेक्रेटरी हूँ, टप्पू सेना का नहीं। मुझे नहीं पता टप्पू सेना कहाँ है। हम यहाँ चलो, नहीं बोलो नहीं, टप्पू सेना क्या हटके आइडिया सोचा है, वेरी एक्साइटेड। हाँ बोलो ना टप्पू सेना, प्लीज बताते बताते, पहले आप सब लोग बैठ जाइए। अरे तुम उधर क्यों बैठे हो, इधर आकर बैठो। ये मीटिंग तो टप्पू सेना ने बुलाई है ना, सोसाइटी की मीटिंग नहीं है।
आप भी इधर आ जाओ। नहीं नहीं अभी इधर आ गया तो इधर ही बैठता हूँ। हाँ। अरे पोपटलाल बराबर बोल रहे हैं अय्यर भाई। आइए आइए इधर आइए इधर आइए। ठीक है जाओ बैठो। अरे उधर इतनी सारी कुर्सी पड़ी है, इधर इधर ही बैठ जाता। आजो। देखो ये तो 8 चेयर्स फॉर अय्यर भाई हो गया। पूरे तो इस साल टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि एक मिनट मीटिंग की शुरुआत ऐसी नहीं होती। मैं आत्मारंभ तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी टप्पू सेना को आज की मीटिंग शुरू करने की अनुमति देता हूं। बराबर है, ताली के बगैर बैठे गाने। तो क्रिसमस की छुट्टियां चालू हो गई है और क्रिसमस वेकेशन में लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पार्टी करते हैं। तो टप्पू सेना ने सोचा सेलिब्रेशन का टाइम है तो गोकुलधाम सोसाइटी में भी सेलिब्रेशन करना बनता है। इसीलिए हमने भी गोकुलधाम सोसाइटी में क्रिसमस पार्टी रखी है। Oh my God, that will be so much fun! टप्पू सेना आप लोगों ने तो हमारा दिल जीत लिया। एक मिनट हमारी बात पूरी नहीं हुई है, आगे तो सुनिए। तो इस बार की पार्टी में हम लोग कुछ नया कुछ हटके करने वाले। बापरे ये काई नवीन करना रहे? कुछ ऐसा जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ है। हाँ पर ऐसा क्या सोचा है वो तो बताओ। बताते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि इस बार की गोकुलधाम की पार्टी में हम सब एक गेम खेलेंगे। हाँ और इस गेम का नाम होगा सीक्रेट गेम। सीक्रेट गेम। इस गेम में हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे लेकिन सीक्रेटली देंगे। हाँ क्यों सीक्रेटली क्यों देंगे अब्दुल भाई? अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि सीक्रेट गिफ्ट गेम का हम लोग एक डेमो देंगे। अजी दियो डेमो। तो इस बोल में डेमो के लिए हमने कुछ चिट्ठियां डाली हुई। सॉरी। लेकिन जब गेम खेलेंगे तो हर एक चिट पर आप सब में से किसी एक का नाम लिखा होगा। ओके। और फिर एक एक करके आप सबको इसमें से एक चिट निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल गोली एक चिट निकाल। तो इस चिट में नाम लिखा है पोपट अंकल का। अरे वाह कलर के हिसाब से नाम लिखा है बाबा। सॉरी इट्स ओके। तो जैसे कि गोली की चिट पे पोपट अंकल का नाम लिखा है तो इसका मतलब है गोली पोपट अंकल को गिफ्ट देगा। ओ अरे अच्छा। लेकिन पोपट अंकल को नहीं पता होगा कि वो गिफ्ट उन्हें गोली ने दिया है, मतलब वो सीक्रेट रहेगा। और पार्टी वाले दिन वो गिफ्ट पोपट अंकल को क्रिसमस ट्री के पास मिलेगा। ओह नाइस। फिर पोपट अंकल अपनी गिफ्ट सबके सामने खोलेंगे।
और पोपट अंकल को अगर वो गिफ्ट पसंद आई तो वो थम्स अप करेंगे और फिर सबके सामने कहेंगे गिफ्ट से पोपटलाल खुश हुआ। लेकिन अगर उनको गिफ्ट पसंद नहीं आई तो वो थम्स डाउन करेंगे और सबके सामने कहेंगे कि पोपटलाल इस गिफ्ट से नाखुश हुआ। इसे गिफ्ट देने वाले को ऑन द स्पॉट पता चलेगा कि पोपट अंकल को गिफ्ट पसंद आई है या नहीं। ओके। तो आप सब लोगों को यहाँ तक सब समझ में आ गया? मतलब हमारे चिट में जिसका नाम होगा हमें उन्हें गिफ्ट देना पड़ेगा, राइट? यस, करेक्ट। और उसका नाम हम लास्ट तक सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। करेक्ट। जिसका नाम चिटता है उसे भी नहीं बताना है। मतलब गिफ्ट और नाम दोनों सीक्रेट। एब्सोल्युटली राइट अंजलि आंटी। और पार्टी वाले दिन सबको अपने अपने गिफ्ट मिल जाएंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ बच्चों, ये सब झंझटमारी करने की जरूरत क्या है? मान लो जिसने भी वो चिट्ठी उठाई उसमें जो भी नाम निकला वो चिट्ठी उठाने वाला डायरेक्ट उसको गिफ्ट दे देता। उसमें मजा नहीं आएगा ना जेठा अंकल। हाँ जेठा जी, इट विल बी सो मच फन। बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, मजा आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। बच्चों आप जो कह रहे हैं बराबर बराबर। नहीं अरे क्या बराबर है जेठालाल, ये तो समझना पड़ेगा ना कि इस गेम में फन क्या है। अरे पोपट अंकल बहुत फन है। अब देखिए जब हम एक दूसरे को सीक्रेटली गिफ्ट देंगे तब हमें पता चलेगा कि हम एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। इस गेम से ये पता चलेगा कि इतने सालों तक साथ में रहने के बाद किसी के पसंद नापसंद के बारे में हमें कितना पता है। बरोबर है। हाँ भाई, सामने वाले को हमारी गिफ्ट पसंद आती है नहीं ये जानने का मजा आएगा। हाँ, एक दूसरे को पूछे बिना उनकी पसंदीदा गिफ्ट देके उन्हें खुश करने में कितना मजा आएगा। लेकिन एग्जाम के बाद जैसे रिजल्ट की उत्सुकता रहती है ना, वैसी सेम उत्सुकता रहेगी कि सामने वालों को गिफ्ट पसंद आएगा नहीं आएगा। ओ करे करे। गिफ्ट पसंद आई तो तब मजे आएगा, लेकिन अगर गिफ्ट पसंद नहीं आई तो दिल टूट जाएगा। हाँ सच्चे घनिष्ठ मजा, उसे खुद को क्या गिफ्ट मिलने वाला है उस चीज का भी तो सस्पेंस और एक्साइटमेंट रहेगा। इस गेम में मजा भी है और फायदा भी, सीक्रेट गिफ्ट जो मिलेगा। यस टपू सेना, इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। थैंक यू। लेकिन टपू सेना, इस गेम के अंदर गिफ्ट कितने रुपए तक देनी होगी? हाँ ये महत्व है। इस गेम में आप 1 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक की गिफ्ट दे सकते हैं। 1,00,000? अच्छा अच्छा। बस गिफ्ट ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर सामने वाले का दिल खुश हो जाए। सच्ची बात। एक मिनट टपू सेना, मुझे एक सवाल पूछना है। समझो कि मेरी चिट्ठी में जिसका नाम आया उसको मैंने बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लेके दी जो उसे पसंद भी आई, लेकिन मेरा नाम जिसकी चिट्ठी में आया उसने अगर मुझे फालतू गिफ्ट दे दी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। हाँ ये बराबर पॉइंट निकाला तुमने पोपटलाल। मतलब फालतू गिफ्ट देने वाले को ये तो पता है कि उसका नाम सामने आने वाला है ही नहीं, वो तो कुछ भी गिफ्ट दे सकता है तो नुकसान तो सामने वाले का ही होगा ना। वो भी है। तो आई थिंक हमें पार्टी के एंड में ना सीक्रेट गिफ्ट का सीक्रेट रिवील कर ही देना चाहिए। किसने किसको गिफ्ट दिया है ये बता ही देना चाहिए। सही बात है। हाँ। लेकिन मैं तो सब बता भी दिया तो भी जेठालाल जैसे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। हाँ। भाई क्या मतलब क्या है तेरा? मतलब ये जेठालाल कि अगर तुमने किसी को फालतू गिफ्ट दिया और तुम्हारा नाम सामने आया तो तुम बोल सकते हो ना कि मैं तो मजाक कर रहा था। सही बात है, सोड़ी भी ऐसा कर सकता है। तो एक काम करते हैं, अगर आपकी गिफ्ट सामने वाले को पसंद नहीं आई
और उन्होंने थम्स डाउन किया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन? भाई वाह, टप्पू सेना ने पार्टी के लिए सीक्रेट गिफ्ट का क्या मजेदार आइडिया सोचा है। मुझे तो लगता है कि ये जो सीक्रेट गिफ्ट का आइडिया है ना, ये धमाकेदार होने वाला है। इससे ये जो पार्टी है ना, वो अनोखी होने वाली है। भाई करना क्या कि सबसे पहले बोल में से चिट निकाल के गिफ्ट किसे देनी है उसका नाम निकालना है, और फिर गिफ्ट देने वाले को गिफ्ट लेने वाले का नाम पार्टी तक सीक्रेट रखना है, और पार्टी शुरू होते ही सबको अपनी अपनी गिफ्ट मिल जाएगी, और फिर गिफ्ट लेने वाले को बताना होगा कि उसे गिफ्ट कैसा लगा। अब गिफ्ट लेने वाले को अगर गिफ्ट पसंद नहीं आया तो गिफ्ट देने वाले को फाइन भरना पड़ेगा। कैसा लगा टप्पू सेना का ये जबरदस्त आइडिया? भाई मुझे तो ये लगता है कि सीक्रेट गिफ्ट के चक्कर में गोकुल धाम में बड़े हंगामे होने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता दूं। सीक्रेट ये है कि आपको इस सीक्रेट गिफ्ट और उसकी प्रक्रिया में बहुत मजा आने वाला है। ये आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश होने वाली है, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, इसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मान लो मैंने चिट्ठी उठाई, उसमें अय्यर भाई का नाम निकला। मैंने अय्यर भाई को बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दी, उनको पसंद भी आई, लेकिन जानबूझ के मेरे साथ मजाक करने के लिए उन्होंने उल्टा थम्स अप किया, तो मुझे तो लेना नहीं देना, फाइन भरना पड़ जाएगा ना। ओ जय दलाल, मैं तुम्हारा जैसा मजाक नहीं करता हूँ।